नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज द्विवेदी और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीटेकी में। तो साथियों, ये है हमारी 56th वीडियो, राइट। एंड हम फिर से कंटिन्यू करते हैं जो सीरीज हमने लास्ट में छोड़ी थी। तो यहां पर आते हैं एंड 3 मिनट के आसपास हमने कंप्लीट कर लिया था, राइट। ये सारा सीन हमारा हो गया था। अभी आपको ये सीन दिखाते हैं, ये कैसे किया गया है। ये किया गया है रीच टारगेट टूल से, ठीक है। तो आइकॉन पे चलते हैं एंड प्रोजेक्ट को कर लेते हैं ओपन। सीन पे चलते हैं एंड हैंडल वाला प्रोजेक्ट कहाँ गया आपका। ओके, शायद से हैंडल वाला प्रोजेक्ट हमने सेव ही नहीं किया होगा उस टाइम पे। ये वाला होगा 19। ये अगला सीन है एंड से यहाँ पे चल के देखते हैं। ये देखिए, इसको कैमरे के मोशंस को कर लेते हैं रिमूव। कैमरा, ये रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन। तो आपको ये हैंडल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली जो मोशन दे रखे हैं हमने, वो इस हैंडल को दे रखे हैं, राइट। इसको हमने क्या किया है कि करेक्टर क्रिएटर में जाके अलग कर लिया है एंड यहाँ पर जो करेक्टर है इसको हमने दिया हुआ है। मॉडिफाई में चलते हैं, यहाँ चलते हैं रीच टारगेट, ठीक है। तो जो इसको हाथ है, इसको डोर एक्सट्रैक्ट जो हैंडल है उसके साथ रीच टारगेट कर लिया है। तो उससे क्या होगा कि अगर मैं जहाँ भी हैंडल को मूव करता हूँ, सीन पर चलते हैं, हैंडल पर चलते हैं, अगर मैं हैंडल को अप मूव करता हूँ तो हाथ भी उसके साथ जाएगा, डाउन मूव करता हूँ तो हाथ भी उसके साथ जाएगा और पूरी बॉडी उसी के साथ मूव करेगी, ठीक। तो ये रीच टारगेट टूल को यूज़ किया गया है। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं एंड हैंडल्स को अलग कर लिया गया एक्सट्रैक्ट मैस के थ्रू। वो कैरेक्टर क्रिएटर का टॉपिक है, तो जब कैरेक्टर क्रिएटर की क्लासेस शुरू होंगी तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड रीच टारगेट जो इसका हैंड है, इसको रीच टारगेट कर दिया गया है हैंडल टूल के साथ। तो जैसे भी हैंडल के मोशंस होंगे उसके अकॉर्डिंग फुल बॉडी इसकी रिस्पॉन्स करेगी, राइट। तो ये सीन क्लियर हो गया आपको। देन आगे चलते हैं, तो ये सीन भी आपको क्लियर हो गया जो आपको आगे दिखाया हुआ है हमने कि यहाँ से पीछे से बॉडी इसकी मूव कर रही है, ठीक है। तो बॉडी मूव करने के लिए क्या करना है, सेम चीज़ बार बार बता करके कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मॉडिफाई में जाएंगे, एनिमेशन में जाएंगे, एडिट मोशन लेयर में जाएंगे एंड यहाँ से इसके मोशन को एडिट कर देंगे आप, ठीक है। ये हटा कर देखते हैं, ठीक। तो क्लियर हो गया ये आपको। फिर आगे प्ले करते हैं, ये सिंपल कैमरा मूवमेंट है एंड अभी क्या है कि कैमरे को हमने आगे फ्रंट से कैप्चर किया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जाकर के सीसीटीवी में चलते हैं, वीडियो में चलते हैं, तो जो हैंडल वाला सीन है ये अलग रिकॉर्ड हुआ है एंड जो दूसरा सीन है जहाँ पे हमने फ्रंट से कैमरा लिया है, एक में मैं स्विच कैमरा लगा के कर सकता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बट इसको अलग से रिकॉर्ड किया है मैंने कि ज़्यादा रिफाइन एनिमेशंस आए, राइट। तो जितना ज़्यादा छोटा छोटा एनिमेशन करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। करीब करीब लास्ट 4 क्लास से मैं यही कह रहा हूँ और आखिर तक कहता रहूँगा कि एनिमेशंस छोटे होने चाहिए, सीन्स छोटे होने चाहिए। आगे प्ले करते हैं, अब कैमरे को हमने एम्प्टी स्पेस पे इस तरीके से मूव किया बहुत धीरे धीरे कि कोई डरा हुआ आदमी होता है बहुत तेज़ नहीं देखता है, धीरे धीरे देखता है। अब इसे लगा कि अरे कुछ नहीं है, ठीक है। जो ये आपने फेशियल एक्सप्रेशन देखा ये भी डिजिटल सॉल पैक्स के थ्रू ही लिया गया है। फाइल, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, नो सीसीटीवी सीन, ओके। तो उसको यहीं पे मैंने रिकॉर्ड कर लिया होगा,
ठीक। एंड इसके बाद सेम वो जरा सा फेशियल एक्सप्रेशन था तो डिजिटल सोल पैक डाल करके यहीं पर रिकॉर्ड कर लिया गया है। ओके, तो ये अंदर आकर के किया है इसने, तो ये सीन दूसरा होगा, ये यहाँ पर आ जाती है। तो आगे प्ले करते हैं। ये भी एक मोशन था क्रिएचर का जिसको ऊपर लटका दिया हमने एंड इसको नीचे दे रखा है कि ये देखिए, इसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल क्या है, देखिए आइडल मोशन इसको दे रखा है, उसको भी एक आइडल लटकने वाला मोशन दे रखा है एंड कैमरा ही तो मूव कर रहा है। एक बार कैमरे को फिर से पूरे कमरे में मूव करा दिया जिससे कि है कि अपने कैम बाहर देखा इसने, बाहर से कुछ नहीं लगा, अब अंदर देख रही है, अंदर भी से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जस्ट कैमरे को तरीके से यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा मोशंस नहीं करने हैं, छोटे छोटे सीन्स बनाने हैं। मैं बार बार सेम चीज़ रिपीट करता रहूँगा एंड में और आपको देख के पता चल जाएगा कि ये जो स्टोरी है जो कि अगर गुड लुकिंग आपको लग रही है, अगर आपको ये काम पसंद आ रहा है तो ये काम कितनी आसानी से किया जा सकता है आई क्लोन में, राइट। एंड मुझे लगता है ये मैंने स्टोरी करीब करीब 5 मिनट की, 1 से 2 दिन में, हाँ 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं लगाए होंगे और कंप्लीट कर दी होगी मैंने ये स्टोरी। फिर कहता हूँ डेटा इज किंग, अगर आपके पास मोशंस हैं, अगर आपके पास करेक्टर्स हैं, अगर आपके पास प्रॉप्स हैं, अगर आपके पास सेट्स हैं, लाइट्स हैं, प्रीसेट्स हैं, तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और अगर इनमें से कुछ भी एक चीज़ कमी है तो फिर टाइम लगता है, राइट। तो अभी 4 मिनट का एनिमेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।